जम्मू कश्मीर कैबिनेट की पहली बैठक में आएगा पूर्ण राज्य के दर्जे का प्रस्ताव। उमर अब्दुल्ला ने कहा अनुच्छेद 370 पर चुप नहीं बैठेंगे। जम्मू कश्मीर में चुनाव नतीजे आने के अगले ही दिन उमर अब्दुल्ला ने अपना एजेंडा साफ कर दिया है। एबीपी न्यूज से बातचीत में उमर ने कहा पूर्ण राज्य का दर्जा उनकी प्राथमिकता में है। द फर्स्ट बिजनेस ऑफ द कैबिनेट शुड बी टू पास अ रेजोल्यूशन आस्किंग फॉर स्टेटहुड टू बी रिस्टोर्ड टू जम्मू एंड कश्मीर। उमर ने आर्टिकल 370 पर भी अपना स्टैंड क्लियर किया। ये कहा था कि हम इस इशू को जिंदा रखेंगे और हम उस बात पे कायम हैं। 370 नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए एक पॉलिटिकल मौकफ है, हमारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, हम इससे जुड़े हुए हैं। जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने और यहाँ से 370 खत्म हुए 5 साल हो गए हैं। फिलहाल उमर का फोकस पूर्ण राज्य का दर्जा लौटाने पर ज्यादा दिख रहा है। दिल्ली की सीएम आतिशी को 2 दिन में ही खाली करना पड़ा मुख्यमंत्री आवास। सीएम आवास को पीडब्ल्यूडी ने सील कर दिया है। सोमवार को जिस बंगले में प्रवेश किया था वो बुधवार को खाली करना पड़ा। इस तरह दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी सीएम आवास में सिर्फ 2 दिन ही रह पाई। दिल्ली के सिविल लाइन्स स्थित सीएम आवास को पीडब्ल्यूडी की टीम ने सील कर दिया है। इस पर मुख्यमंत्री ऑफिस की तरफ से बयान आया है कि देश के इतिहास में पहली बार मुख्यमंत्री आवास खाली कराया गया। बीजेपी के इशारे पर एलजी ने जबरन सीएम आतिशी का सामान सीएम आवास से निकाला। कहा जा रहा है कि पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने बंगला खाली करने के बाद विधिवत हैंडओवर नहीं दिया। बंगले के अंदर आखिर ऐसे कौन से राज दफन है जो नियमों का उल्लंघन करकर बिना सरकारी विभाग को चाबी दिए, बिना उसकी वेंट्री बनाए आप चाबी खेलकर उसमें घुसने का प्रयास कर रहे थे। ऐसा लग रहा है कि दिल्ली की सियासत में आने वाले दिनों में बंगले की गूंज सुनाई देती रहेगी। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद मोदी कैबिनेट की मीटिंग। गरीबों को दिसंबर 2028 तक दिया जाएगा मुफ्त राशन। सूत्रों के मुताबिक जैसे ही प्रधानमंत्री कैबिनेट की मीटिंग में पहुंचे तो सभी केंद्रीय मंत्रियों ने ताली बजाकर प्रधानमंत्री मोदी का अभिनंदन किया। हरियाणा की जीत पर धन्यवाद प्रस्ताव लाया गया। इसके बाद सरकार के कई फैसलों पर कैबिनेट ने मुहर लगाई। कैबिनेट ने राजस्थान और पंजाब के सीमावर्ती इलाकों में 4,406 करोड़ रुपए के निवेश से 2,280 किलोमीटर सड़क निर्माण को मंजूरी दी। इसके अलावा गुजरात के लोथल में दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर विकसित किया जाएगा। बॉर्डर एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का मोदी जी ने एक नया टोटली नया माइंडसेट चेंज करवाया। इससे पहले 3 अक्टूबर को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों के बोनस देने का ऐलान किया गया था। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।